तो हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे सबसे पहले हैकाथॉन का एक्सपीरियंस। ये पूरा वीडियो एक व्लॉग वीडियो है, मतलब मैंने ये वीडियो पहले निकाल चुका था हैकाथॉन से पहले, मतलब 2 महीने की प्रेपरेशन और हैकाथॉन वाला डे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट एंड आई होप यू एंजॉय इट। तो आई गेस वी कैन लर्न एनीथिंग, तो ऐसा कोई नया लैंग्वेज आया तो उससे डरने का नहीं। इस ऐप को बनाते बनाते हम लोग काफ़ी बार फेल हुए, काफ़ी बार ऐसा लगा कि हम लोग को रुक जाना चाहिए, कुछ नहीं बनाना चाहिए, यहीं पे रुक जाना चाहिए, स्टफ हो चुके थे। बट हम लोग कंटिन्यू रखते, उन्होंने 1 दिन दिया उसको, उन्होंने 3 दिन दिया, उन्होंने 1 हफ्ता दिया उसको, एंड वी मैनेज टू क्रैक इट। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम गाइस, वी कैन फिनिश इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। वी हैव अ होल मंथ राइट हियर, दैट्स सॉर्ट ऑफ होल मंथ 12 डेज, अ मंथ एंड 12 डेज। तो ये है हम लोग का हैकाथॉन, एंड वी हैव अ टीम जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सो ये हमारा नोशन का साइट है जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। तो हम लोग 4 लोग की टीम है, एंड यहाँ पे 4 लोग हैं, चैप चैपबॉट, ठीक है, कोड नलायक, ये एक्चुअली एक श्रीलंकन डूड है जो हम लोग के साथ काम कर रहा है, स्पेक्स डूड, क्वाइट प्रोफेशनल है ये, मतलब ही 17 एंड प्रिटी गुड गाय, जो हम लोग साथ काफ़ी सही से काम कर रहा है, एंड ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत सही लगता है। द किड ही 20 एंड एक इंडियन है और ये हमारे साथ काम कर रहा है, हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और आई गेस इस प्रोजेक्ट में, मतलब इस हैकाथॉन में वो काफ़ी सही से हम लोग की मदद कर देगा। कोड एक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ लड़का है जो काफ़ी सही हिसाब से काम कर रहा है, लाइक 7th स्टैंडर्ड में मैं कोड का सी भी नहीं जानता था, बट ही नोज जावास्क्रिप्ट एंड फ्रंट एंड, मोस्टली इसने बैक एंड में काम किया है, इवन फ्रंट एंड भी काम किया इसमें, एंड दिस इज द थिंग, दिस इज ऑल्सो दैट वी आर वर्किंग ऑन। तो हम लोग मीटिंग कंडक्ट करते हैं कुछ चीज़ें, अभी फ़िलहाल हम लोग बता देता हूँ मैं क्या किया हम दिन में अभी तक। सो हम लोग बैक एंड पे काम करना चालू कर चुके हैं एंड रिसर्च, तो हमारा जो आइडिया है वो रिवॉल्व कर रहा है इस चीज़ के अराउंड, दैट इज कार्बन इलेक्ट्रिक फ्यूल और कार्बन, हे और कौन लिखा तू है वहाँ पे, तो जो प्रोजेक्ट है वो है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्यूल टू कार्बन फ्यूल, द पॉइंट्स सेइंग अराउंड दिस इज आवर इनोवेशन। बता देता हूँ कौन सा हैकाथॉन है जिसमें पार्ट लेने वाले हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, ये वो वेबसाइट, ये वो हैकाथॉन है जिसमें हम लोग पार्ट लेने वाले, दैट इज हैक द लीग, यूनाइटेड लीग ऑफ टेक। तो इसमें कुछ 4 मेजर थीम्स है, जो कि है पहला एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस, हेल्थ केयर, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और ओपन इनोवेशन। आज है बस, आज क्या टाइम, आज क्या दिन है, आज 19 दिसंबर है, एंड ये प्रोजेक्ट हमने फ्राइडे से चालू करके रखा है, फ्राइडे से हम 4 लोग कनेक्टेड हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस। आज हम लोग का फाइनली डिसाइड हो गया है प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है, किस पे काम करने वाला है, एंड वी फाइनलाइज दिस आइडिया एंड वी आर गोना मेक ऐप एंड लेट्स सी। तो हम लोग जो क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले हैं वो है ये फ्लटर, मोंजो डीबी फॉर अपना डाटाबेस, एंड नोड जीएस फॉर बैकएंड, फ्लटर एंड बैक एंड के लिए, ओह पता नहीं ठीक है, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ इन तीनों लैंग्वेजेस के बारे में, सो वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू मेक इट। बात करते हैं कॉम्पिटिशन के बारे में, तो अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, दैट इज February 12-13, 2022, तो हमें बस अराउंड 1 महीना है एंड वी आर गोना वर्क ऑन इट, लेट्स सी। तो फिर इसका लिंक भी मैं दे दूँगा कहीं ना कहीं, वैसे क्या करो लिंक का, तो बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। काफ़ी एंथुजियास्टिक टीम है, द टीम बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है एंड सभी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, तो होपफुली ये दिस टर्न्स आउट टू बी ग्रेट और हम लोग कुछ कड़क बना दें, कड़क एप्लीकेशन बना दें, दैट इज इट, देखते हैं। आई ऑल्सो रिकॉर्ड फ्यू वीडियोज दैट वी आर लाइक वी हैविंग फ्यू चैट इन द ऑन द डिस्कॉर्ड, वो भी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा एंड दैट्स इट। तो हमने अभी रिसर्च के बारे में बात की थी आज,
दो टीम्स में हम लोग ने बांटा है। तो पहला टीम है मेरा और अपना इंटरनेशनल मित्र का, और दूसरा टीम है कोड का और द किट का। तो पहले टीम में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं एंड यहाँ पे कोड्स है, लिंक्स है, हम लोग नोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको पता होगा इसके बारे में। एंड बैक एंड पे वो लोग काम कर रहे हैं, फिलहाल तो कुछ लिखा नहीं है, बता देते हैं जल्दी। तो बैक एंड पे हम लोग काम चल रहा है, सॉरी रिसर्च पे हम लोग काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी ये काम खत्म भी हो जाएगा। लाइक वी आर गिविंग अस एक हफ्ते का टाइम दे रहा है, विल रिसर्च ऑन द टॉपिक एंड कम अप विद फ्यू आइडियाज एंड स्टार्ट करेंगे उस पर काम करें। तो हमारे पूरे टीम का इंट्रोडक्शन मैंने अपने वीडियो में दे रखा है। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग एक हफ्ते में आइडिया प्लान आउट करेंगे एंड उस हिसाब से हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे। हम लोग थे कि ओके जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, एक महीने में उसे कवर करेंगे एंड बाद में हम लोग देखेंगे क्या बनाने का है, कैसे बनाने का है। तो हमें स्टार्ट करने से पहले लगा था कि जावास्क्रिप्ट में ही सब कुछ कवर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। एंड हमारा एल्गोरिदम जो कि हम लोग ने काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब कर रखा था कि कैसे काम करेगा, काफ़ी रफ स्केच था, बट हाँ हम लोग को लगा वैसे ही सही है। एंड हम लोग स्टार्ट कर दिए जावास्क्रिप्ट सीखना एंड एल्गोरिदम पे काम करना। हम लोगों ने टीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दो लोग जो बैकएंड देखेंगे और दो लोग जो फ्रंट एंड देखेंगे। ठीक है, तो मैं और स्पेक्स फ्रंट एंड देख रहे थे एंड किड और कोड बैक एंड देख रहे थे। अब ये आइडिया के बाद पता नहीं कैसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग फ्लटर पे स्विच करेंगे। मुझे खुद को पता नहीं हम लोग कैसे ये स्विच किए, मतलब मैं तो स्टार्टिंग से था कि हम लोग जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो कौन से मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग फ्लटर पे स्विच करने वाले हैं। ओके, मी एंड कोड विल हैंडल ऑल द थिंग्स ऑन द बैक। यू गाइस जस्ट स्टार्ट विद द एल्गोरिथम, वी टोल्ड यू अबाउट द रिसर्च एंड इफ यू वांट आई कैन कम बैक एंड प्रोवाइड यू विद द एल्गोरिथम जस्ट द एल्गोरिथम। ओके, आई विल मीट यू गाइस एट 1st ऑफ जनवरी। ओके, जस्ट गिव मी दैट फार्मूला एट 31st ऑफ December, give me that formula and I'll set up authentication with Zero Auth. It's a service, actually. I don't think so. It's I think we can use its free trial, actually. Okay, so Specs, what I'm thinking is, yeah, have you completed the JavaScript code, the whole thing? There's a half an hour more and I'll be done today. A half an hour, come on, watch it on 1.5 and finish it in 15 minutes. No, after this I'll complete this and it's okay. So what I'm thinking and is, I was able to find a way to emulate from my mobile phone. I saw it on the official documentation, so that's some sort of positive thing. And can you show it? Let's go to Zoom. Yeah, just a second. We'll see. Yeah. Create the Zoom link, bro. I know about your. No problem. सो अभी हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं एंड हम लोगों ने दो और लैंग्वेजेस पे अपना कमांड बनाना चालू कर दिया है। फर्स्ट इज़ फ्लटर एंड द नेक्स्ट वन इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम लोगों ने कुछ 6 घंटे के आसपास में कवर किया एंड अभी काम चल रहा है फ्लटर पे। फ्लटर का पूरा कोर्स इज़ अराउंड 42 आवर्स, मतलब उसको करने में एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो राइट नाउ बैक एंड वाला काम और फ्लटर पे काम चल रहा है। नोट जेस इज़ समथिंग वी लर्न, मतलब बहुत छोटा था तो 30 मिनट का क्लास था उसका, तो अभी ख़त्म हो गया। अभी हम लोगों ने फ्लटर का यूडेमी से कोर्स निकाल के कर रहे हैं, मैं और अपना स्टेक्स डूड, एंड आज शाम को मीटिंग होगी। आज जैसे डेट है ट्यूसडे 28 दिसंबर, और अब शाम को आज मीटिंग होगी एंड विल डिस्कस उधर क्या करने का है, मतलब हम लोग को फ्लटर के साथ जाने का है या फिर कोई और लैंग्वेज या कोई और फ्रेमवर्क पे स्विच करने का है। हाँ, फ्लटर हेल्प्स इन क्रिएटिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, जो कि कोई लैंग्वेज अभी कोई फ्रेमवर्क अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है फिलहाल तो। एंड फ्लटर इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल, तो वो भी कहीं मुझे सही लगा। और भी एंड बात रही रिसर्च की, तो रिसर्च कम्प्लीट हो गया है एंड सब सही चल रहा है। और हम लोग ने टारगेट किया है कि 1st न्यू ईयर चालू होने से पहले हम सब कम्प्लीट कर रहे हैं। दैट्स इट, हम लोग दोनों लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी बेसिक चालू कर रहे हैं एंड एटलीस्ट उस पर इतना कवर ग्रिप चाहते हैं कि हम लोग एक प्रॉपर वर्किंग ऐप बना सके। तो अगर हम लोग दो हफ्ते में एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, दो हफ्ते भी नहीं, दो दिन में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखा एंड अभी एक हफ्ता दे रहे हैं फ्लटर को, तो आई गेस वी कैन लर्न एनीथिंग। तो ऐसा कोई नया लैंग्वेज आया तो उससे डरने का नहीं। और फ्लटर के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है डार्ट। तो डार्ट उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं थी, बट हाँ फ्लटर सीखने में बहुत टाइम लगा। सो हमने एक बहुत छोटा सा कोर्स किया फ्लटर सीखने के लिए। सो हमें लगा एक बार फ्लटर सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सही स्मूथली बीत जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
हमने स्ट्रगल किया वेलकम पेज बनाने के लिए, हमने स्ट्रगल किया लॉगिन पेज बनाने के लिए, हमने स्ट्रगल किया साइनअप पेज बनाने के लिए, और हमने स्ट्रगल किया सबसे इम्पॉर्टेंट होम पेज बनाने के लिए। अब ये सारे पेजेस ऐप के अंदर थे, मतलब ये वेब पेज की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ऐप के इंटरफेस की, जो कि मेरे स्क्रीन पे आसपास दिख जाएगा। तो आपको एक अपडेट कहाँ तक कंप्लीट किया हम लोगों ने, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था हम लोग होम पेज पे काम कर रहे थे ना, होम पेज बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, मतलब वेलकम पेज बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो वेलकम करेंगे यहाँ पे नेम लिखने के, सो ये सारी चीज़ें अभी काम कर रही है, मतलब डाटा बेस से नहीं कनेक्ट किया है बट हाँ ये काम कर रहा है। सो मैं फटफट डाल देता हूँ, डूड 1 2 3 शिट 1 2 3 1 2 3 ठीक है, तो अभी 1 2 3 1 2 3 ठीक है ये सब काम। और इसको भी मैंने डाटा बेस से कनेक्ट नहीं किया है, टीम में अभी सब काम कर रहे हैं उस चीज़ पे, हो जाएगा वो भी जल्दी। और फाइनली हम लोग आ जाएंगे हमारे होम पेज पे, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस पर काम चल रहा है, ठीक है अभी इतना बन चुका है। सो बहुत टाइम लगा इसको बनाने के लिए, हम लोग ने 2 हफ्ता दिया है अभी तक आपको, अभी स्टार्टेड फर्स्ट और 2 हफ्ते हो चुके हैं और टिल नाउ दिस इज़ द प्रोग्रेस। तो वेलकम पेज होने के बाद हमें लगा चीज़ें और हार्ड होंगी, जो कि हुई। हम लोग को लॉगिन पेज और साइनअप पेज के लिए डेटाबेस का यूज़ चाहिए था, तो हम लोगों ने फायरबेस का यूज़ किया एंड मैंने कुछ नहीं सीखा, सब स्पेक्स ने सीखा। एंड फिर हम लोग ने उसको, उस पर भी हम लोग को कुछ 1 हफ्ता लग गया था, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी बट हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद जैसे हम लोग ने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, हम लोग ने काफ़ी बेसिक सा डिज़ाइन बना दिया था होम पेज का, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ओके अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ द ऐप कंप्लीट किया है, अभी 60 और बाकी है और टाइम हम लोग के पास कुछ 2 हफ्ते का ही बाकी था। ये हम लोग का नोशन पेज, यहाँ पे सारे अपडेट हो रहे हैं, जैसे मैं एक दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ बट ठीक है। तो ये वेलकम पेज है, ये साइनअप पेज है और ये लॉगिन पेज है जो कि हो चुका है। हम लोग अभी मोंगो डीबी डाटा बेस से कनेक्ट कर रहे हैं इसको और होम पेज पे काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा काम ऑब्वियसली होम पेज पे होगा और अभी एल्गोरिदम भी बनाना बाकी है। मैंने आई गेस किसी ना किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया एल्गोरिदम कैसे काम करता है, नहीं किया तो मैं कर देता हूँ 1 सेकंड। ओके, सो हम लोगों ने काफ़ी टाइम दिया होम पेज को, इधर उधर किया एंड फाइनली होम पेज भी रेडी हो गया था। अब बस पॉइंट था कि हम लोग को जो हम लोग ने जो डेटा बेस में डेटा स्टोर किया है उसको होम पेज पर प्रेजेंट करने का, वो भी बहुत ईजिली हो गया, ज़्यादा डिफिकल्टी आई नहीं, बट डिफ़िकल्टी आई एल्गोरिदम। हम लोगों ने एल्गोरिदम किसी मतलब कोई और ऐप पर डिज़ाइन कर दिया था कि हम लोग कैसे लोकेशन ट्रैक करके कैसे उससे CO2 यू नो एमिट कर, मतलब एमिशन कितना है वो देख पाएंगे, और हम लोगों ने वही सेम चीज़ को अपने ऐप में किया तो वो चीज़ वैसे ही वर्क नहीं कर रही थी, तो हम लोगों ने कुछ और चीज़ें चेंज की, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लिटरली 1-2 हफ्ते लग गए थे उस चीज़ को करने के लिए। एंड साइड बाई साइड हम लोग ऐप का इंटरफेस को अपडेट कर रहे थे। हैकाथॉन से 1 हफ्ते पहले हमने सोचा ओके आज हम लोग अपना ऐप का क्लोज बेटा लॉन्च करते हैं ताकि हम लोग यूजर्स से टेस्ट कर सके कुछ बग्स हैं या नहीं, ठीक है। हमने लॉन्च किया एंड जैसे कि यूजर्स के रिस्पॉन्ड आए हमने अकॉर्डिंगली काम किया। तो हैकाथॉन से 1 दिन पहले हम लोग का 0.1 वर्जन रेडी हो गया था। सो द ऐप इज़ अप एंड रनिंग, मतलब हम लोगों ने क्लोज बेटा चालू कर दिया है एंड काफ़ी मतलब 15 के अराउंड यूजर्स हैं। अब उनके फीडबैक के हिसाब से हम ऐप में चेंजेस कर रहे हैं, फिलहाल सारी चीज़ें सही चल रही है, ये आखिरी हफ्ता है एंड इस हफ्ते के बाद हम लोग का असली कॉम्पिटिशन चालू हो जाएगा सैटरडे को। तो हम लोग को सैटरडे को ऐप को रीबिल्ड करना पड़ेगा, शायद हम लोग कुछ चेंजेस करें, शायद हम कुछ चीज़ें मतलब कुछ UI चेंजेस करें, कुछ एल्गोरिथम चेंजेस करें, मे बी पॉसिबल है बट 12th तो कैसा सीन रहता है वो हम लोग 12th को देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये आखिरी हफ्ता है एंड इस आखिरी हफ्ते में हम लोग जितना पॉलिश कर सकते हैं आपको करेंगे, क्योंकि हम लोग को हैकाथॉन जीतने का ऑब्वियसली या दैट्स इट। तो फिर हम लोग 12th को मिलते हैं, 12th को पूरा दिन मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके, और वो जो ऐप है वो कैसा रन कर रहा है या कैसा दिख रहा है वो आसपास के स्क्रीन पे दिख जाएगा। दैट्स इट।
तो मैंने आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो ऐप को. सो अब हैकाथॉन वाले दिन क्या हुआ, क्या हम हैकाथॉन जीते या नहीं, दूसरे के प्रोजेक्ट्स क्या हमसे बेटर थे, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. इस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए इसको यहीं पे रोकते हैं. तो मैंने आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो ऐप को. एंड अभी उस ऐप पे कोई अपडेट्स नहीं आएंगे, हमने काम बंद रखा है उस ऐप पे कुछ हफ्तों के लिए, विल सी आगे क्या करने का. एंड मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपना खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे तुम लोग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एंड वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें जिनके अराउंड मैंने वीडियो बनाई है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो. एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे ऐसे लोग तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं. तुम लोग कोडिंग के क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, सेम ही चीज़ हो गई वैसे दोनों, बट ठीक है, सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. सो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको अगले वीडियो में आंसर कर दूंगा. Till then, keep learning. See ya. Have a great day. Bye-bye.